हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको व्हाट्सएप की एक नहीं दो नहीं दोस्तों बल्कि टोटली 9 प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों 2022 तो खत्म हो गया, बट दोस्तों 2023 के अंदर जिन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई सारे अपडेट भी हुए हैं प्राइवेसी फीचर्स को लेकर, तो दोस्तों ये जो मैं आपको 9 प्राइवेसी सेटिंग बताने वाला हूं, दोस्तों आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और समझना। क्योंकि दोस्तों यदि आप अपनी प्राइवेसी को इग्नोर करते हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको पहला दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग बताऊंगा उसके अंदर दोस्तों पहला जो सेटिंग आता है, ये जो लास्ट सीन आपको दिख रहा है ना दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि 3:57, तो दोस्तों यहां पे इसका मतलब क्या है दोस्तों यहां पे जानेंगे हम लोग। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेटिंग के अंदर आएंगे, प्राइवेसी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ दिनों पहले यहाँ पे दोस्तों एक फीचर अपडेट हुआ था, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। तो दोस्तों यदि आप इसके अंदर एवरीवन पे क्लिक करते हो तो दोस्तों आपका ये जो लास्ट सीन जो मैंने आपको दिखाया दोस्तों ये सबको दिखेगा, आप भी सबका देख सकते हो और दोस्तों आपका भी लास्ट सीन हर कोई देख सकता है, इसका मतलब ये है। और दोस्तों यदि आप माई कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर देते हो तो सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट में जो बंदे होंगे सिर्फ उन्हीं को दिखेगा और आपको उनका दिखेगा। माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप कुछ खास पर्सन को चूज कर सकते हो जिनको आपको आपका दिखेगा और आपका उनको दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सेटिंग है। और दोस्तों नो बॉडी पे क्लिक कर दोगे तो आपका किसी को नहीं दिखेगा और ना सामने वाले पर्सन का आपको दिखेगा। अब दोस्तों यहीं पे सेम ऐसे ही लागू होता है सेम एज लास्ट सीन। यदि दोस्तों नो बॉडी पे क्लिक कर देते हो तो ना तो आपका दिखेगा ना ही उनका आपको दिखेगा, इसका मतलब ये है दोस्तों। यानी कि दोस्तों एवरीवन पे क्लिक कर देते हो तो सेम एज ए लास्ट सीन, यानी कि आपका भी सबको दिखेगा, सबका आपको भी दिखेगा, इसका ये है मतलब। यानी कि दोस्तों जैसा आप करोगे वैसा ही सामने वाले के पास से भी होगा और आपके यहाँ भी ऐसे ही होगा, यानी कि आपको दिखेगा तो उनको भी दिखेगा, यदि उनको नहीं दिखेगा तो आपको नहीं दिखेगा, इसका ये मतलब है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल फोटो के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे ये ऐसे ही अपडेट है कि एवरीवन पे क्लिक कर दोगे तो हर कोई देखेगा, माई कॉन्टेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट में दिखेगा, माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो जिन लोगों को सिलेक्ट करोगे सिर्फ उन्हें ही दिखेगा, नो बॉडी पे क्लिक कर दोगे तो किसी को नहीं दिखेगा। ये 2 नंबर का दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग है। और दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर का दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग है अबाउट के अंदर, यानी कि दोस्तों आपका जो प्रोफाइल है ना कौन कौन देख सकता है आपका अबाउट में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपका दोस्तों ये जो अबाउट सेक्शन होता है ना ये वाला, ये बंदा कौन कौन देख सकता है यहाँ पे, ये आपका अबाउट यहाँ पे ये जो दिखता है अबाउट आपके बारे में, ये बंदा कौन कौन देख सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यदि आप चाहते हो कि कोई भी बंदा ना दिखे तो दोस्तों आपको यहाँ पे अबाउट में क्लिक करके नो बॉडी पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों ये तो हो गया 3rd नंबर का। आप दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का जो अपडेट है ना स्टेटस के अंदर आओगे तो दोस्तों सेम ऐसे ही लागू होता है, हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट्स, यानी कि दोस्तों माई कॉन्टेक्ट पे क्लिक करो तो सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट में जो बंदे हों उन्हें दिखेगा, अदरवाइज दोस्तों अपने हिसाब से चूज करना चाहते हो किसे दिखे किसे ना दिखे तो दोस्तों आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप चाहते हो मैं जिसे शेयर करूँ सिर्फ उसे ही दिखे तो दोस्तों आप यहां से कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो हो गया स्टेटस की सेटिंग। अब दोस्तों इसी तरह से रीड रिसीप्ट वाला, यानी कि दोस्तों जो ब्लू कलर का जो टिक लगता है ना, यानी डबल टिक, अगर दोस्तों यदि आप इसे बंद कर दोगे तो सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा डबल टिक और आपको भी दोस्तों किसी का पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इस फीचर्स को अलाउ कर सकते हो। और दोस्तों इनका सबका मैं प्रूफ आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि दोस्तों ये जो व्हाट्सअप है ना इन्हें कैसे प्राइवेसी सेटिंग के अंदर रखा है। इसी तरह से दोस्तों ये जो डिसअपीयरिंग मैसेज है ना दोस्तों ये प्राइवेसी फीचर्स के अंदर ही आता है। जैसे कि मान लो दोस्तों आप किसी को मैसेज करते हो बाद में वो बंदा आपको ब्लैकमेल करने लगे तो दोस्तों आप अपने हिसाब से प्राइवेसी सेटिंग को यहां से ऑन कर सकते हो। यहां पे दोस्तों एक नया फीचर ऐड हुआ है, सेट फॉर योर कॉन्टेक्ट चैट, यानी कि दोस्तों जिस बंदे से आप चैट करते हो उसके लिए डायरेक्ट आप यहीं से इस फीचर्स को 90 दिन के लिए डिसअपीयरिंग मैसेज अलाउ कर सकते हो। तो दोस्तों ये अभी अभी नया अपडेट आया है, यदि आपको नहीं मिला होगा तो प्ले स्टोर से अपडेट करना मिल जाएगा। इसी तरह से दोस्तों ग्रुप में है, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में कोई भी बंदा आपको ऐड कर देता है तो एवरीवन पे क्लिक रखो तो कोई भी बंदा ऐड तो कर ही देगा। तो आपको दोस्तों यदि आप चाहते हो कोई भी बंदा ऐड ना करे आपको ग्रुप के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, जैसे कि बहुत सारे गंदे ग्रुप भी होते हैं, तो दोस्तों आपको माई कॉन्टेक्ट पे क्लिक रखना है या आप फिर जिनको चाहते हो कि जो लोग
आपको ऐड कर सके उन्हें यहाँ से सेट कर सकते हो आप दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पे आपका लाइव लोकेशन होता है जो कि दोस्तों हमेशा आपको नोन पे क्लिक रखना है, क्योंकि दोस्तों आपकी प्राइवेसी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा यदि आप इसे बंद रखोगे। और दोस्तों यदि आप किसी को यहाँ से, मैं लास्ट वाला दोस्तों जो आपको फीचर्स है, जैसे कि मान लो आपको यहाँ से किसी को ब्लॉक करना है, यहाँ पे जाके दोस्तों जैसे कि मान लो इसकी मैंने चैटिंग को ओपन किया और दोस्तों ये तो मान लो ग्रुप है, यहाँ से दोस्तों ये है इसका चैट और दोस्तों मुझे इस बंदे को ब्लॉक करना है, तो दोस्तों मोर पे क्लिक करके और यहाँ से यदि आप ब्लॉक कर देते हो, यहाँ से ब्लॉक या रिपोर्ट करते हो, यदि दोस्तों आपको यहाँ पे पांच गंदे गंदे या आपको पांच बार से ज़्यादा कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रखा है, आप परेशान हो गए हो, तो आप किसी को ब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे सेटिंग के अंदर आओगे, प्राइवेसी के अंदर आओगे, तो दोस्तों आपने जिन लोगों को ब्लॉक किए रहोगे ना दोस्तों, वो नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ से इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो, यहाँ पे इस पे लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसे ब्लॉक कर दिया। आप चाहो तो इस बंदे को भी दोस्तों यहाँ से इसे अनब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का, अब दोस्तों एक मैं आपको अपनी तरफ से दोस्तों प्राइवेसी सेटिंग बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों आपको ध्यान से देखना और समझना। अकाउंट के अंदर आने हैं, यहां पे दोस्तों ये दो सेटिंग आपको मेरी तरफ से ऑन करने हैं, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन जो कि दोस्तों आपको यहां पे ऑन करने हैं। दोस्तों इसे ऑन करने के फायदे ये होते हैं कि दोस्तों आपके व्हाट्सअप में दोस्तों ये जितने प्रकार के यहाँ पे लिखे गए हैं ना, यदि इनके साथ कोई भी छेड़खानी होती है तो दोस्तों ये आपको सिक्योरिटी अलर्ट एक नोटिफिकेशन भेज देगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से आपको इसे ऑन रखना है और आपको हमेशा दोस्तों यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है, इसे ऑन कर लेना है टू स्टेप वेरिफिकेशन। और दोस्तों आपको यहाँ पे मैं इन सब का एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दोस्तों चैट के एंड में आओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा है योर पर्सनल मैसेज आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ प्राइवेसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें सेटिंग दिखाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया कि कौन कौन से प्राइवेसी सेटिंग को व्हाट्सअप अप्रूव करता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ये जैसे ही ओपन हो जाएगा ना तो वो सारे फंक्शन और फीचर्स खुल जाएंगे जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि आपके सामने जो भी प्राइवेसी सेटिंग होता है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ओपन हुआ है, जो कि दोस्तों आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। मैंने आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में बताया, डिसअपीयरिंग मैसेज के बारे में बताया, ब्लॉक एंड रिपोर्ट के बारे में बताया, इनक्रिप्टेड बैकअप होता है ये भी दोस्तों सिक्योरिटी के अंदर ही आता है, लास्ट इन एंड ऑनलाइन के बारे में बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों इनको सबके बारे में दोस्तों यदि आपको डिटेल से जानना है तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके इनके बारे में अच्छे से दोस्तों पढ़ सकते हो कि दोस्तों ये किस तरह से आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करता है। यदि आपको विस्तार से एक्सप्लेन यहाँ पे अच्छे से जानना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे इन पे क्लिक करके और दोस्तों आप चाहो तो इसे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जो भी आपको WhatsApp के अंदर प्राइवेसी सिक्योरिटी फीचर्स है ना, प्राइवेसी सेटिंग दोस्तों, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली दोस्तों डिटेल के साथ बताया है। और दोस्तों आई होप कि 2023 के अंदर आप लोग दोस्तों प्राइवेसी फीचर्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।